हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चिंता चैनल में। आज हम अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं अचार की रेसिपी। करेले का अचार है जो बिल्कुल कड़वा नहीं लगता और खाने में काफ़ी अच्छी लगती है और आप आराम से इसे घर पे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं करेले का अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमने करेला लिया था जिसमें हमने धोकर पतले पतले कट लगाकर इसे धूप में अच्छी तरह से सुखा लिए हैं, बिल्कुल पानी नहीं करेले में। कुछ मसाले हैं, मसाले हमने सौंफ है, अजवाइन है, जीरा है, मेथी दाना है, मेथी दाना मात्रा हमने कम ही रखा है, धनिया है, कुछ लहसुन की कलियां हैं, एक चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है, खटाई पाउडर, खाने वाला नमक है, हल्दी है, सरसों का तेल है और सिरका है, सफ़ेद वाला सिरका है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाए इनमें तो हम कढ़ाई में मसाले के दाल को भून लेंगे। हमने थोड़ी सी कलौजी ले ली है, कलौजी और मेथी की मात्रा हमने कम ही रखा है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, अभी कढ़ाई में मसाले को भून लेना है अच्छी तरह से। बस मसाले से हल्की सी खुशबू आने लगी तो हमें बंद कर देना, गैस को ऑफ कर देना है। मसाले से खुशबू आने लगी है तो हम गैस को ऑफ करते रहेंगे, इससे ज्यादा हमें मसाला को नहीं भूनना है। अब इसे हम बाल भी निकाल लेंगे, छोटी से हमें पीस लेना है मिक्सर जार में। मसाले को भून कर हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, अब हमें इसे पीस लेना है पतला और साथ में हम लहसुन की जो कलियां ले ली थी इसे भी हमें पीस लेना। तो चलिए दोनों को पीस लेते हैं। मसाला को हमने पीस लिया पीसे जा रही, ये देख लीजिए, जैसे ज़्यादा पतला भी नहीं किया, ज़्यादा मोटा भी नहीं, और लहसुन हमने पीस लिया है। करेला की मात्रा हमारी कम थी इसलिए हमने मसाले की मात्रा भी कम ही रखी है। आप करेले के हिसाब से मसाले की मात्रा, लहसुन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। एक बड़ी साइज का हमने बाउल ले लिया जिससे मसाले मिलाने में आसानी रहे। अब इन बाउल में हमें मसाले को डाल देना है। हमने मसाला डाल दिया है बाउल में, अब हम इसी बाउल में करेले को डाल देते हैं। करेले को कट करके अच्छी तरह से धूप लगा दीजिएगा, तभी हमारे अचार अच्छे बनेंगे और ख़राब नहीं होंगे। अब इस ढंग से करेले का अचार बनाएंगे तो बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा हमारे तरीके से। करेले का अचार बनाने के लिए पतला ही करेला ज़्यादा सही है, बीज वाला करेला थोड़ा सा कम सही लगता है। अगर आपको पतले करेले मिले तो अच्छा रहेगा। मसाला इस तरह से लपेट देंगे। अब इसमें हम मिक्स करके सारे सामान डालते हैं। अब हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, पिसी हुई लहसुन। अगर लहसुन आपको नहीं पसंद है, नहीं खा रहे हैं तो घट डालिएगा। हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक उससे अचार में ज्यादा पड़ती है। नमक, खटाई, इससे थोड़ी चटपटी भी बनती है और इसका कड़वापन भी निकल जाता है करेले का। अब हम सबसे लास्ट में सरसों का तेल डाल देंगे, थोड़ा सा तेल को डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे। अभी तेल हमारी कम है, तेल भी कम है और हल्दी भी कम है, हम दोनों भी डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी भी डालना है। अभी आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हम मसाले अचार बना रहे हैं तो कब जाकर जो भी चीज लगे आप डाल सकते हैं। सारे मसाले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें एक चम्मच हमने सिरका डाल दिया है, अब सिरका को हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। हम अच्छी तरह से हमारा करेले का अचार बनके तैयार है। इसे हम अच्छी तरह से दो दिन तीन दिन धूप दिखा देंगे जब तक करेला हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए, तब इसके बाद हम डिब्बे में भर के रख देंगे।
आप चाहें तो तुरंत भर के रख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। अचार को एकदम अच्छी तरह से भर दीजिए, डिब्बा एकदम साफ सुथरा हो, पानी एकदम ना हो, तो हमारे अचार टेस्टी रहेंगे। और ये अचार बिल्कुल कड़वा नहीं होता, बिल्कुल अच्छी बनती, टेस्टी बनती है। आप एक बार करेले के अचार को जरूर ट्राई करिएगा, जरूर बनाइएगा। हम आपको पास से दिखा रहे हैं, देखिए इस तरीके से आप जरूर बनाइए करेले के अचार को। अगर आपको हमारा करेले का अचार बनाने का तरीका अच्छा लगा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।